सोदिया इसको लाइक नहीं करता तो इस वजह से इसको पाकिस्तान में लाना जो है वो कह ठीक नहीं लेकिन मैं फिर भी इसको ले आया वजन क्या है जो आपने पहन नहीं हुई लेकिन हमारे लोगों के में है कि पता नहीं खान साहब के पास कोई अला दिन का चिराग है जो वो वो घिस और वो उनके बाद में निकल के अंदर से कुछ जिन वो काम कर देगा टिकटॉक का शौक कहाँ से पैदा हुआ जो जो बंदा पाकिस्तान मेरे पास आ सकता है तो उसको खुद बयान देने में क्या क्या आपकी टिकटॉक की फेम ये आपका जेवर है तमाम कह सकते हैं मेरी मैंने कभी भी इतना गौर नहीं किया नोटिस नहीं किया बस अगले की मोहब्बत को नोटिस करता हूँ बाकी मामला सारा ठीक है अलम्कुम नाजीन पाक टी वी डॉट टी वी के साथ मैं हूँ अक्सा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस टिक टॉकर मिस्टर काशिफ जमीर साहब उनसे जानेंगे सबसे पहले तो सवाल का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि सर ये जो आपने गले में चेन पहनी हुई है इसके बारे में आप बताएँ कि क्या शौक़ है और कैसे पैदा हुआ जी ये मैं बिल्कुल छोटा था तकरीबन बारह तेरह साल का तब से मुझे ये शौक है पहले छोटी चेन पहनता था जैसे जैसे बड़ा होता गया हूं, तो शौक बढ़ता गया और चेन बढ़ती गई और इसका वजन क्या है ये जो आपने पहन ही हुई है मैंने ये टोटल जो सारा गोल्ड है ये मैंने वन के जी में बनवाया था ठीक है, वन के जी में बनवाया था और ये जो आपने हाथ में घड़ी पहनी हुई है ये भी आप बड़े शौकीन मिजाज लगते हैं तो इसका क्या कंसर्न है इसका ये है कि ये माशाल्लाह काटिए की वॉच है और ये डायमंड और गोल्ड में बनी अच्छा आप बेसिकली लाहौर से हैं तो आप जो है अपनी सारी बिजनेस डीलिंग्स वहाँ पर देखते हैं और ट्रैवलिंग में आपका क्या शौक़ है ट्रैवलिंग में माशा अलहमदिल्ला हमारा बिज़नेस जो है उसके सिलसिले में हमें काफ़ी जगह पे जाना पड़ता है क्योंकि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें हम करते हैं ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने कपड़ों को तो उसके सिलसिले में हमें काफ़ी कंट्रीज़ में भी जाना पड़ता है ठीक है और मुझे ये बताएं कि पिछले रोज़ हमने सुना था कि गाजी को आप लॉन्च करने जा रहे हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर तो वो कहानी क्या थी और उसकी असल इमेज क्या है एक्चुअली उसकी रीज़न ये थी कि जब मैं एंगन अल्तान को पाकिस्तान लाना चाहता था मुझे मेरे कुछ जो पोलिटिशियन दोस्त हैं उन्होंने मुझे कहा था कि इसको मत लाएं क्योंकि इसकी पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैं इसको फिर भी ले आया क्योंकि सऊदीया की वजह से सऊदिया इसको लाइक नहीं करता तो इस वजह से इसको पाकिस्तान में लाना जो है वो कहते थे ठीक नहीं लेकिन मैं फिर भी इसको ले आया जब मैं ले आया हूँ तो हमारे कुछ अजीज़ दोस्त हैं जो वो चाहते थे कि इनके इंटरव्यूज़ हों ये मॉर्निंग शोज़ में जाएँ जो कि पॉसिबल नहीं था जब मैंने इनको इनकार किया तो वो मेरे खिलाफ एक मुहिम चल पड़ी तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि आप उसके साथ एक्सेप्ट आपने कर लिया है या फिर आप कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में नहीं देखें ये जो मामला ये तो हमें पहले दिन से पता था कि ऐसा कुछ होगा लेकिन इतना ज़्यादा हो जाएगा ये नहीं था सोचा लेकिन खैर मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह नहीं होना चाहिए देखें हमारे पाकिस्तान का एक मेज पूरी दुनिया में क्या लोग इसको टेररिस्ट समझते हैं जब पाकिस्तानी पासपोर्ट आप किसी टेबल पे बाय कंट्रीज़ में जाते हैं इमिग्रेशन वालों के पास तो वो इस टाइम आपको साइड पे लगा देते हैं कि आप साइड पर हैं आपको पूरी वेरिफिकेशन की जाएगी तो वो उस कंट्री में वो बंदा है तो मेरे ख्याल में ये गलत है कि इस तरह करके देखें आज तक उसकी तरफ से कोई वीडियो बयान खुद नहीं आया वरना वो खुद जो जो बंद पाकिस्तान मेरे पास आ सकता है तो उसको खुद बयान देने में क्या मसला है लेकिन अभी जो है तो मेरा वैसे प्लान यही है कि मैं इस मौके को कैंसिल कर दूँ अच्छा आप कैंसिल करेंगे और वो हमने देखा था कि आपने बड़ी एक महंगी रिंग भी उनको गिफ्ट की वो वापस ले लेंगे उस पे कोई अफसोस है नहीं देखें अगर इस बात पे हैं तो देखें वो जब पाकिस्तान आए मैंने उनको बुलाया तभी मेरे उस पर काफी ज्यादा खर्च हुआ उनकी मैंने बिजनेस क्लास टिकट्स करवाई सारा खर्च हुआ अपनी जगह पे है देखें एक ताल्लुब जो है वो सबसे बड़ी बात होती तो वो कोई बार नहीं जो किस्मत की चीज़ है वो उसकी किस्मत मेरे ठीक है और मुझे ये यहाँ पर बताएं कि आपका जिस तरह तो बिज़नेस चलता है तो इस गवर्नमेंट से आप खुश हैं या कुछ अफेक्ट हुआ है आपका बिज़नेस भी इस सूरत हाल में कि हर तरफ लॉकडाउन है देखें जो गवर्नमेंट की सूरत हाल है देखिए गवर्नमेंट से कोई भी बंदा खुश नहीं है इवन खान साहब ख़ुद खुश नहीं है क्योंकि जो वो चीज़ वो सोच रहे थे वो वैसा पॉसिबल नहीं है हमारे पाकिस्तान में और जो चीज़ जो कंसेप्ट उनके माइंड में है उसके लिए टाइम लगेगा लेकिन हमारे लोगों के जहन में यह है कि पता नहीं खान साहब के पास कोई अल्ला दिन का चिराग है जो वो वो घसाएँगे और वो उनके बाद में निकल के अंदर से कुछ जिन वो काम कर देगा तो लेकिन टाइम तो लगता ही है अच्छा तो आप जो है वो खुश हैं इसका मतलब है आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं एक तरह से नहीं देखें तरफदारी की बात नहीं है मैं सभी गवर्नमेंट देखें सब आ, मैं सबको पसंद करता हूँ सारी पार्टीज एक अच्छी हैं लेकिन मैं सब एक बात बता रहा हूँ कि हाँ अगर जो ये बात हम तब उनसे करें जब वो अपने पाँच साल मुकम्मल कर लें कोई आपको अभी तक तो देखें कोई काम सामने नहीं, नहीं नजर आया महंगाई बहुत ज्यादा हर चीज बहुत ज्यादा लेकिन उसमें वो उनको भी पता है कि देखें अपोजिशन इतनी स्ट्रोंग है फिर भी वो बंदा मेरे ख्याल में पागल तो नहीं है कि वो फिर भी महंगाई करी जा रहा है जा उसके हाथ में कोई चीज़ नहीं आ रही या उनको कुछ इस तरह के मामला जो वो चाहते हैं अभी नहीं हो रहे हैं। अच्छा बताएं टिकटॉक का शौक कहां से पैदा हुआ? टिकटॉक की आईडी मैंने मैंने कोई सात आठ माह पहले बनाई थी तो मैं एक्चुअली मेरे अलहमदिल्ला फेसबुक पे काफी पहले फॉलोवर थे तो वो लोग कहते थे कि आप टिकट पे आए आप जो भी अपनी एक्टिविटी करते हैं उसकी आप वीडियो पोस्ट किया करें तो ऐसे मैंने सडनली अपने मैंने एक जगह बैठे हुए मैंने टिकटॉक का उसको आप स्टोर किया उसके बाद मैंने उस पर अपनी वीडियो पोस्ट की जैसे मैंने पोस्ट की वो वायरल होना शुरू हो गई फिर ऐसे और हमने देखा है कि आपने जो है वो एक शेर पाला हुआ है ठीक है और आप उसे बड़े प्यार से रखते हैं वो भी आपके टिकटॉक की फेम का बाइस बने नहीं <laughs> नहीं बिल्कुल देखें जरिया कोई ना कोई बन ही जाता है और भी लोग हैं जिन्होंने शेयर रखे हैं लेकिन ये अल्लाह की जात है जो किसी भी वजह से आपको इज्जत दे दे तो वो एक अपना अलग बात है अच्छा लोग फिर टिक टॉक को इतना बुरा कहते हैं और आप बिजनेसमैन भी हैं तो आपके ऊपर अक्सर सवाल उठते हैं नहीं नहीं देखिए सवाल नहीं उठते देखिए कोई भी चीज़ है चाहे कोई मोबाइल है चाहे कोई ऐप है या कोई भी चीज़ ये डिपेंड आप कि आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे या नेगेटिव वे में जो लोग नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं उनकी वजह से बाकी सब भी बदनाम हो जाते हैं लेकिन मेरे ख्याल में ये डिपेंड आप पे खुद पे है कि आप एक चीज़ को किस वे में यूज़ करते हैं और मुझे बताएँ कि क्या आपकी टिकटॉक की फेम ये आपका जेवर है तमाम कह सकते हैं जी मैं भी शायद ये भी कह सकते हैं आप अच्छा और मुझे ये भी बताएं कि कभी किसी ऐसे फा, कोई फैन मिला हो जो आपको देखकर या ऐसा कोई रिएक्शन आया हो उसकी तरफ से कि आप खुद पब्लिक में खड़े होकर हैरान हो गए देखें रिएक्शंस तो कर... लेकिन मैं सबके सब, सब मोहब्बत करते हैं तो मैं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबके साथ अच्छे तरीके से चलूं मेरे साथ जब भी कोई भी बंदा इवन कोई भी बंदा मेरे पास अलहमदिल्ला जब आता है मैं उससे ज्यादा उसको प्यार देता हूं तो मेरी मैंने कभी भी इतना गौर नहीं किया नोटिस नहीं किया बस अगले की मोहब्बत को नोटिस करता हूँ बाकी मामला सारा ठीक है पर हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में जिसके पास पैसा आ जाता है गरूर तो आ ही जाता है लेकिन हमने देखा कि आप बड़े डाउन टू अर्थ हैं तो कभी वो गरूर और वो तसवर किया नहीं आपने ऐसा नहीं नहीं अल्लाह माफ़ करे देखें जो इंसान एक मट्टी का बिना पुतला है उसको कभी भी गुरूर होना नहीं चाहिए पहली बात तो ये और दूसरी बात जिन्होंने नया नया पैसा देखा हो गर उनमें आ जाए वो एक अलग बात है लेकिन फल हमेशा उसी दर को लगता है जो झुका हुआ होता है मुझे ये बताएंगे आप अपने लास्ट में इस यूथ को क्या मैसेज देंगे कि यूथ को किस तरह से चलना चाहिए और टिक टॉक को जो गलत तरीके से यूज करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे देखे मेरे मैसेज देने से मैं यही मैसेज दूंगा कि यू जो है स्पेशली देखें आप इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा हैं आप लोग स्पेशली अगर आप रोल अच्छा अदा करेंगे अभी देखें मेरे साथ मैं अपनी बात करता हूँ मेरे साथ जो मामला हुआ मेरा तासर कुछ लोगों में इस तरह का दिया गया कि लोग अब कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ बैठ गई लेकिन मैं उनका भी गलती नहीं उनका भी गलत नहीं कहूँगा कि ये चीज़ सामने जो दिखाई जा रही वो तो वो समझेंगे वो चीज़ वैसी है लेकिन मैं सबको ये बात कहूँगा कि वो जिसकी एक पंजाबी का मसाला ट्रक की बत्ती के पीछे लगना उसके पीछे ना लगें आप ख़ुद भी अपने एक पॉइंट से बात अपने दिमाग से ये सोचें कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं बाकी पैगाम मैं यही दूंगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करें मुल्क की खिदमत करें और जो एक अच्छा वियन है हमारा देखिए जो मौजूदा हमारा प्राइम मिनिस्टर हमने तो उसकी बात सुनी उसका जो वियन है उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें मे भी शायद हालात ठीक हो जाएँ

वो और वो उनके बाद में निकल के अंदर से कुछ जिन वो कुछ काम कर देगा टिकटॉक का शौक कहां से पैदा हुआ? जो जो बंदा पाकिस्तान मेरे पास आ सकते उसको खुद बयान देने में क्या क्या आपकी टिकटॉक की फेम ये आपका ज़ेवर है तमाम कह सकते हैं तो मेरी मैंने कभी भी इतना गौर नहीं किया नोटिस नहीं किया बस अगले की मोहब्बत को नोटिस करता हूँ बाकी मामला सारे